एडमिनिस्ट्रेशन हाय हाय एडमिनिस्ट्रेशन हाय हाय एडमिनिस्ट्रेशन हाय हाय ईडब्ल्यू डिपार्टमेंट हाय हाय गुंडागर्दी नहीं चलेगी गुंडागर्दी नहीं चलेगी वैक्सीन सुनन कर हाय हाय वैक्सीन सुनन कर हाय हाय वैक्सीन सुनन कर हाय हाय नायब तहसीलदार साहब जिंदाबाद नायब तहसीलदार साहब जिंदाबाद कोई साढ़े सात पौने आठ बजे का टाइम है। हम लोग दुकानें बंद कर जब आए वापस तो आपने देखा होगा आगे जो पूरी दस्त के ऊपर ये लोग रुक जाते हैं और ये जो है यहाँ पे पहली रोड लगी हुई है उसी के ऊपर हाथ से ये रोड तो हमने उनको कहा कि आप ये काम करो प्रॉपर चैनल जो है वैसे डालो हम मना नहीं कर रहे हैं हमारा काम है हमारी रोड है ये तो उसने बोला कि आप लोगों को पता ही नहीं है यही को हमने पूछा कि इस दस्त के ऊपर मतलब ये ग्लैस काफी हो सकती है तो उन्होंने काम बंद कर दिया रात ठीक है हमने कहा कि आप सुबह आके यहाँ पे डालो रुक जाओ हमारा कोई मतलब इस टाइम भी हम नहीं चाहते कि एडमिनिस्ट्रेशन अभी आके डाले मतलब इस पर लुक मतलब जो प्रॉपर जो तरीका है इसका डालने का अभी देखो दिन में ये कोई मतलब उनका जो महकमे का बंदा है जो जिन्होंने ये टेंडर भरा हुआ वो अभी तक उनमें से कोई यहाँ तक मतलब रात को भी हम आए थे दिन में आया था हमारा इस हमने कॉल की थी उनको उन्होंने फोन उठाया नहीं एक्सी साहब से कनेक्ट करने की कोशिश की सर देखो ना ये मैंने रात को ही बुलाया था उनको रात को ही कहा था कि हम इधर खड़े हैं आओ लड़के भी हैं इधर जो बैठ के बात होती है जो भी बात है तो कल कोई आया नहीं था अभी हमारा कोई ठीक है मानते क्या ये ठीक ये तुझे आने से आगे होता उसने पीछे नजरे सो एक सिलसोर का पता कोई नहीं है अच्छा उसके बाद आगे उनने वो ये सर पहली पुरानी रोड है उसी के ऊपर ब्लैक टॉपिंग कर लो हम गाड़ियाँ बंद करते हैं तो आपने छह सात को क्यों नहीं की और रात को क्यों आठ के साथ बारिश बारिश उस दिन एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको छह और सात का टाइम दिया ठीक है आप रात को आपने ठेकेदार क्यों भेजा ब्लैक टॉपिंग के लिए ये इस तरह की ये डिपार्टमेंट आपके जय साथ में अब्दुल्ला मेरी बात वहाँ पे रात को ही फर्स्ट नंबर तो ठंड है जो टेम्परेचर है लो होता है रात को तो ब्लैक टॉपिंग हो ही नहीं सकती नहीं तो टेम्परेचर वो तो हमने देखना ना आपने आपने देखा ना ये आपने देखा हमारी जो जो गलत काम है हम उसको पहली एक ही बात है सर एक बात सर मैं एक बात कहूंगा ये डिपार्टमेंट कमीशन देता है इसलिए चोरी छुपे रात को काम करता है दिन में हम दिन को करेंगे ठीक है आपने गाड़ियाँ बंद करनी है पहले ही तय कर दिया ठीक है गाड़ियों का हमारी समझ जैसे है ना जैसे मतलब तय को डालना था बिल्कुल ये जैसे स्पेसिफिकेशन है वैसे ही काम होगा वैसे ही काम होगा हम आपका वेलकम करते हैं चलो आप लेट ही पहुंचे लेकिन चलो पहुंचे लेकिन आप हमें ये चीज बताएं कि जो ये काम हुआ है क्या ये एज पर रूल हुआ ये काम जो हुआ है सर देखिए सबसे पहले हमें भी पता है जो यहाँ पर लुक पड़ी हुई थी उसको निकालना था ना सर
कौन से लोग ये जो ना इसमें खड्डे हैं उसको हमने स्कैरिफाई उसको ना जेसीबी से उसको करना होगा। सर आपने खुद देखा ये आपको ये जो ये अगर यहाँ ये देखो चुप 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 बाकी आस्था बोलो कंप्रेशन होगा ये देखो चलो आगे आगे चलो गाड़ी बुलाया क्योंकि इस रोड पर असर क्या अच्छा पता की रोड की कंडीशन बहुत बुरी है रोड की कंडीशन बहुत बुरी है हम यहाँ रात तकरीबन 7:30 बजे के बाद 8 बजे के करीब हम यहाँ पहुंचे तो उस टाइम से लेके हम रात के 12 बजे तक यहाँ पे रहे तो यहाँ पे ये काम चल रहा था रोड का और आप बाद में इनको दिखाना भी जहाँ पे काम इनने किया हुआ है थोड़ा सा तो हम आए हमने यहाँ पे यही बोला कि ये क्या हो रहा है तो हमने जब अपनी आंखों से देखा और हमने बंद करवाया जनाब काम ये तो यहाँ पे कुल मिला के ये रात को भी मीडिया वाले भी आए और ये समझ नहीं आई कि अभी तक वो वीडियो शेयर नहीं हुई। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो असली बात है असली लफज है यहाँ पे यही है कि पता नहीं कोई रिश्वत का ही काम है सीधी सी बात है क्योंकि वो अगर देखो जी मीडिया वाले आए उन वो भी जैसे वो कहते हैं ना कि ये वो मीडिया है वो है तो यहाँ पे भी समझने वाले लोग समझते हैं। बात ये है जनाब कि ये यहाँ से हर बंदा जाता है लोगों ने लानू पे गाड़ियां ली हैं यहाँ पे तकरीबन